अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से मैं नाज़िया मीर आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में। आज का हमारा मौजू सिंध की ज़रख़ेज़ सकाफत की नुमाइंदगी करती एक ऐसी हसीन इमारत है जिसका फ़न तामीर शाहकार है। फेस महल, एक तारीखी इमारत जिसका हुस्न हर देखने वाली आँख को गर्विदा बनाने की कुव्वत रखता है। सन 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध फतेह किया तो सिंध के आखिरी हुक्मरान तालपुर घराने से इक्तदार छिन गया और इंतज़ामी तौर पर सिंध अंग्रेज़ों के ज़ेरे असर आ गया। एक सुनहरी दौर का इख्तिताम हुआ, मगर आज भी उस अहदे ज़री की निशानियां खैरपुर और इसके गिर्दो नवा में मौजूद हैं। याद रहे कि तालपुरों ने ये इक्तदार कलहोड़ों हुक्मरानों से हासिल किया था। 1783 से 1843 तक तालपुर घराने के कुल 6 हुक्मरानों ने सिंध पर हुकूमत की, जबकि उन्होंने सिंध में 3 रियासतें भी कायम की जिनमें हैदराबाद, मीरपुर खास और खैरपुर शामिल थी। सन 1786 में मीर सोहराब खान ने खैरपुर को अपनी तख्तेगाह बनाया, बाकायदा फौज तैयार की और डाक टिकट का अजरा किया। मीर सोहराब खान ने रियासत की हदूद शुमाल में कश्मोर, मगरब में गंदावा, जनूब में नौशेरो फरोज और मशरक में जैसलमीर तक फैला दी थी। यहाँ इल्म व अदब फरोग पाने लगा, फन तामीर के नमूने सामने आने लगे। मीर सोहराब खान के बाद मीर रुस्तम, मीर अली मुराद, मीर फेस मोहम्मद और मीर इमाम बख्श तालपुर खैरपुर रियासत के हुक्मरान रहे। इन तमाम रियासतों को इंतजामी तौर पर संभालना एक बड़ा मुश्किल चैलेंज था। इंतजामी बहरान वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला गया। तालपुर खानदान से इक्तदार छीनने का सबब ना सिर्फ अंदरूनी साजिशें थीं, बल्कि अंग्रेजों ने भी इनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। 1843 में मियानी की जंग में शिकस्त के बाद मीर अली मुराद को खैरपुर रियासत का हुक्मरान बरकरार रखा गया। कुछ अरसे बाद अंग्रेजों ने रियासत का बड़ा हिस्सा छीन लिया। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो खैरपुर रियासत की भी वो हैसियत ख़त्म कर दी गई और ये पाकिस्तान में शामिल हो गई। खैरपुर तालपुर ख़ानदान की अहम तरीन रियासत थी जिसे हुकूमती ढांचे में कलीदी हैसियत हासिल रही। यहीं से इंतज़ामी मामलात चलाए जाते थे। आज भी खैरपुर में कई कदीम और पुरशिकवा इमारतें नज़र आती हैं जिनमें सबसे नुमाया है फेस महल। ये बाकमाल महल 2 मंजिला है जिसे फैज मोहम्मद तालपुर ने तामीर करवाया। वो 1894 से 1909 तक खैरपुर रियासत के हुक्मरान रहे थे। इसका एक और नाम लखी महल भी है। फैज महल की तामीर में लाल ईंटों के साथ जोधपुर के पत्थर भी इस्तेमाल किए गए हैं। मुगल तर्ज तामीर का हामिल ये महल तालपुर हुक्मरानों के दौर में इंतजामी मामला चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज फैज महल की देखभाल मीर महदी रजा के जिम्मे है। आज भी इस बावकार इमारत का हुस्न कायम है। महल के अहाते में दाखिल होते ही एक बड़ा लॉन और फूल पौधे इस्तकबाल करते हैं, जबकि महल के दाएं और बाएं जानेब तोपें नजर आती हैं। महल के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही एक बड़ा सा हॉल है जहाँ उस वक्त के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर, उस दौर की अशिया, शोपीस, फानूस और मुहायदों की नकूल मौजूद हैं। हॉल के साथ मौजूद डाइनिंग हॉल आज भी बेहतर हालत में है। मरकजी हॉल की दीवारों पर तालपुर हुक्मरानों और उन शख्सियात की तस्वीर आवेजा हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में इस महल के दौरे किए।
इनमें पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान और फील्ड मार्शल अयूब खान शामिल हैं। आज भी फेस महल में हर शे को अपनी असल हालत में बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की गई है, ताकि इस तारीखी विरसे को देखकर गुजरे हुए ज़माने की याद ताज़ा की जा सके। फेस महल से एक रोमानवी दास्तान भी जुड़ी है, जो इस ख़ानदान के चश्मो चराग मीर अली नवाज नास और बाली की है। कहा जाता है कि बाली लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक गुलकारा थी। मीर अली नवाज नास ने बाली के इश्क में गिरफ्तार होकर शादी की, मगर वो तवील अरसे कायम ना रह सकी। आज भी बाली के लिए तामीर किया गया दिलशाद महल खैरपुर में मौजूद है, जिसे मीर अली नवाज ने बनवाया था। गोवा अब इस दिलकश इमारत में जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, मगर फेस महल हमें उस दौर की याद दिलाता है जब ये इमारत एक रियासत की शान और शौकत की अलामत थी। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। आपके फीडबैक का हमें रहेगा बेचैनी से इंतज़ार। सिंध की तहजीब और सकाफत से जुड़ी मज़ीद कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ सिंध के साथ और देखते रहिए स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अपनी होस्ट नाज़िया मीर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।